லாகையால் சக்ஷோருன் மிலிதம் விஜேனாம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாய இஷ்டதாலே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நம ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த பிருந்த சப ஹாத்துல போலோ போல ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி ஹரி ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரி குமார் ஜோர் கலே ஹரே கிருஷ்ண பிஹாரி லால் ஜி ஹம் பிரஜமண்டல பரிக்ரமா கரத்தே கரத்தே அபி ஹம் ஜஹா பர் உபஸ்தித் ஹுவே ஹே யே ஸ்ரீ சரண பஹாரி ஹே चरण पहाड़ी बहु जगह में चरण पहाड़ी एक जगह में नहीं विशेष करके ब्रज में तीन जगह में चरण पहाड़ी है। यहाँ पर एक चरण पहाड़ी नंदगांव में एक चरण पहाड़ी और एक जो शेष साई हम जाएंगे वहाँ पर भी चरण पहाड़ी है क्योंकि कृष्णा इसका नाम ही ब्रज है। ब्रज मतलब होता है ब्रज गतोवा ब्रजब चलती। जो लोग अभी एक जगह में नहीं रहा करते थे जैसे एक जगह पर रहते थे जब वहाँ की गैया घास खाते खाते जब घास खत्म हो जाता था फिर वहाँ छोड़कर फिर और कहीं जैसे कृष्ण पहले नंदगांव में रहे फिर गोकुल में आए छठीगढ़ में गए गोसी गए हैं। इसलिए कृष्ण बहुत स्थान में परिभ्रमण करते रहे इसलिए उन्होंने जहाँ जहाँ जाकर गैया चराए और यहीं पर कृष्ण गैया चराते चराते कृष्ण यहीं पर आए और यहीं पर आ करके किसी पहाड़ के ऊपर में गैया चराया करते थे। जब गैया को ले करके जाना का होता था इसलिए कृष्ण सुंदर सुंदर बंसी ढोली गया करते थे जिसको भागवत में बताया ए जगौ कलौ बा मदृशा मनोहरा। इसलिए उनने बंसी में बड़े सुंदर सुंदर बंसी ध्वनि किया करते थे। इसलिए भागवत में बताए बोले चार तरह का कैसे भगवान की माधुर्य है जिसमें बताया बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल बारिदी अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडलम त्रिजगत मनसा करती मुरली कलकुञ्जित अशो मनार्थ रूप श्री भीष्मा पीत चराचरम। उसमें एक बताया उसमें जिसका नाम वेणु माधुरी बोले त्रिजगत मानसा करती मुरली कलकुञ्जित। जब कृष्ण बंसी ध्वनि करते थे बोले त्रिजगत मानसा करती तीन जगत का मन को वो आकर्षण करते थे। इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ चक्रम ठाकुर बंसी ध्वनि की अद्भुत उन्होंने महिमा बताए। कहते बंसी ध्वनि तीन तरह का है कहते के सन्मोहिनी आकर्षणी और आनंदिनी। और जो बंसी ध्वनि एक होता है सर्वभूत मनोहर और एक होता है गोपीभूत मनोहर। कृष्ण जब बंसी बट को नीचे खड़े होकर उन्होंने बंसी बजाए जिसका नाम था ये गोपीभूत मनोहर है वो सर्वभूत मनोहर नहीं। सर्वभूत मनोहर का मतलब होता है कृष्ण जब चाहते हैं ये बंसी ध्वनि सबको ही सुने तब वो बंसी ध्वनि सबको ही सुनते थे। जब कृष्ण ऐसे बंसी बजाया करते थे ये बंसुरी केवल श्री ब्रज गोपियां ही ये बंसी ध्वनि को सुन पाए जिसका नाम गोपी भूत मनोहर जिसका नाम बताया। इसलिए जो जगौ कलौ बाम दृशा मनोहरा वहां पर कृष्ण जब क्लिंग शब्द उच्चारण करते थे कहते श्री ब्रज गोपियां क्या सुनिया करती थी वो सुनते थे बंसी ध्वनि से केवल राधे राधे गोपी गोपी ललिता ललिता विशाखा विशाखा शब्द आ रही है। लेकिन एक बंसी ध्वनि को जो बलदेव प्रभु सुनते थे मानो इनको ऐसे लगता था बलाई बलाई तुम कहां पर आओ। जब सखा लोग होते थे वो बंसी ध्वनि को वो क्या सुनते थे हाँ वाल वाल तुम लोग कहां पर गए हो। इसलिए कृष्ण एक ही बंसी में बजाया करते थे लेकिन सबके साथ वो अलग 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 बंसी ध्वनि सबको सुनते थे। इसलिए उसमें बताया एक वेणु है एक बंसी है और एक मुरली है। उसमें बताए किसमें नौ छिद्र है किसमें सात छिद्र है किसमें पांच छिद्र है। इसलिए बंसी ध्वनि की अलग 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 महिमा बंसी ध्वनि की।
इसलिए कृष्ण यहीं पर जब कृष्ण खड़े होकर के उन्होंने बंस नाद करते थे, यहाँ पर आप देखे होंगे अभी उन्होंने प्रभु जी भजन गाया, उन्होंने जब कृष्ण बंसीधर कैसे बजाते थे, बोले त्रिभंग ललित रूप में बंसीधर बजाया करते थे, तीन रूप में तीन जगह में खड़े होकर के ऐसे बजाया करते थे, हम सुनते हैं ऐसे। इसलिए यहाँ पर जो ये चरण चिन्ह है, कृष्णा त्रिभंग ललित रूप में जो बंसी बजाया करते थे, यहाँ पर एकदम वही चरण चिन्ह यहाँ पर था, ये चरण चिन्ह है। इसलिए अभी उन्होंने एक भजन गा रहे थे, बोले चरण का बाकाली मायरा ना जरा मास मास जरा तो किने सेरे कमर भाई बोला करते कथा बोले बना एकाने कातेरे कथा सुना जाते ना तो बाकाली माय तेरे से कथा सुना जाते तब अपना नाम डूबे दिवे ने कहने एक ने कहने भजन गाय चिलो बोले शरण का माले अमिया उछले ताहते नो कोरदामा उछले ताहते नो गोरदामा सदा सादरी रिंग रूप धरी चरण कमले सारा अनायासे गाई कृष्ण गुण गाई हार ना भजीव वो बंसी की महिमा को गा रहे हैं और कृष्ण जो त्रिभंग ललित रूप में खड़े होते हैं और कृष्ण का चरण में क्या है कहते अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वज। कृष्ण का चरण में अशोक अभय और अमृत है, बोले क्यों कृष्ण का चरण में अशोक अभय अमृत क्यों, बोले उनका चरण में उन्हें से चिन्ह है। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर जिस समय ब्रज गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते कृष्ण का चरण चिन्ह को देखे, उसमें चरण चिन्ह को उन्होंने जब दर्शन किया, उन्होंने कहते केवल कृष्ण का चरण में ही ये गुणेश चिन्ह और किसी के चरण में ये गुणेश चिन्ह नहीं। तब तो वहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने बताए कृष्ण का चरण में कमल है, बोले अगर कोई कमल का स्मरण कर तो कमल से जैसे खुशबू निकलती है ऐसे आपसे ही बड़ी सुंदर खुशबू निकलेगा। कृष्ण का चरण में स्वस्ति चिन्ह है, स्वस्ति ये मंगलवाची है, अगर कृष्ण का चरण का जो स्वस्ति को कोई स्मरण कर तो जीवन में कल्याण कल्याण मंगल मंगलमय होगा। यानी कि चरण में चक्र, अगर कोई चक्र को स्मरण कर तो हमारा जीवन में जितने हमारे अस्थि जगत में जितने बाधाएं जितने शत्रु है काम क्रोध ये खंडन कर देता है। इसलिए कृष्ण के चरण में झंडा पताका उसको कोई स्मरण कर तो सारा दुनिया में तुम्हारी जयकार होएगा। इसलिए उन्हें से चरण का अलग 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 महत्व वहां पर बताए। इसलिए कहते हैं चरण कमल को स्मरण करने पर हैं जीवन का सारे दुख कष्ट नष्ट हो जाएगा। इसलिए कृष्ण यहीं पर खड़े होकर उनने बंसी ध्वनि की थी यहीं पर, और यहीं पर ये दुख यहीं से दर्शन करोगे, ये लुक लुक की कुंड है यहाँ पर। कहते यहीं पर कृष्ण सखाओं को साथ में कृष्ण यहीं पर पास में लुकलू की कुंड है, यहीं पर कृष्ण पानी को अंदर में ग्वाल बालों को साथ में गैया चराते चराते वो लुका चोरी खेलते थे। जैसे कभी कभी पानी में डूब जाते थे, डूब करके तो कौन कितने समय तक डूब कर रह सकता है, लेकिन कृष्ण तो बड़ा नटखट है। कभी राधा रानी को साथ में गोपियों को साथ में कभी खेलते खेलते बोले अभी कौन कितना समय तक डूब कर रह सकते हैं। गोपियां राधा रानी से डूब गई, कृष्ण क्या किया चतुराई करके ना थोड़ी देर बाद उठ गई और सब डूबे हुए हैं, लेकिन किसको पता है नहीं कब उठे। जब वो उठने का समय ना कृष्ण में डूब जाते, राधा रानी देखती है अरे कन्या तब से डूब रहे अभी तक उठे नहीं है, इसमें फिर राधा रानी डूब जाती है, फिर कृष्ण क्या करते फिर उठ जाते। इसलिए जिसमें तरह तरह का लुका चोरी खेलते थे, कभी कभी राधा रानी को साथ में हैं वहां पर पानी के अंदर में भी लुका चोरी खेलते हैं। पहले राधा रानी छुपे और कृष्ण उनको ढूंढेगा, और उसी समय जो माया वृंदा देवी पानी के अंदर में चार तरह का कमल का फूल प्रस्फुटित कर देती थी, नील कमल रक्त कमल श्वेत कमल लाल कमल तरह तरह का। और राधा रानी तब तक आंचल गौरांगी, राधा रानी जाकर के जहाँ पर कमल फूल जो पीले रंग के जो कमल फूल है राधा रानी उसका अंदर में जाकर छुप जाती थी, छुपने पर और क्या करती थी ऐसे मुंह को ऊंचा करके ना ऐसे खड़ी हो जाती थी, और राधा रानी की उनका सारे अंगों को कमलों के साथ में बताया
नेत्र कमल, हस्त कमल, चरण कमल। अभी कृष्णा वो ढूंढ ढूंढ कर उनको पाया नहीं, क्यों? कमलों के साथ में कमल मिल गया। इतने में कृष्ण कहता है, राधे में तो हार गया हूँ, तुम जीत गए हो। हर कभी कृष्ण छुपते थे, लेकिन कृष्ण जब छुपते थे वो नील कमलों के अंदर में छुपते थे, और कृष्ण का वो भी नील और कमल भी नील है। कभी कभी राधा रानी भी ढूंढते 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 उनको प्राप्त नहीं कर पाती थी। राधा रानी कहती थी, हे श्याम सुंदर, मैं हार गई, तू जीत गए, तुम उठो। फिर कृष्ण श्वेत कमल का अंदर से कृष्ण प्रकट होते थे, इसलिए इसका नाम है लुक लुकी कुंडा। जब कभी राधा रानी सखियों के साथ में कुंडा का एक तरफ में स्नान करती, कृष्ण मगरमच्छ जैसे अंदर में धीरे 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 जाकर राधा रानी चरण को खींच लेते, राधा रानी तो डर जाती थी। अरे कृष्ण उठते नहीं, फिर उधर से आकर दूसरे तरफ में निकलते थे। यही पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती यही पर भजन करते थे, यही पर 14 साल तक यही पर उन्होंने भजन किया है। जो कृष्ण लीला में ये तुंग विद्या सखी है, कहते ये महाप्रभु लीला में ये प्रबोधानंद सरस्वती, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है राधा रस सुधा निधि, ये ग्रंथ लिखे, ये एक अद्भुत ऐसे ग्रंथ है जिसको लेकर के ना संप्रदाय में बड़े लड़ाई झगड़ा है, क्योंकि ग्रंथ में राधा रस सुधा और निधि ये नाम उन्होंने दिया है, जिसको दूसरे संप्रदाय का लोग कहते नहीं ये ग्रंथ हमारी, और हम लोग क्या कहते नहीं ये ग्रंथ हमारा ग्रंथ है। उसमें केवल राधा रानी की अद्भुत महिमा को उन्होंने गाए हैं, जिसमें वो कहते हैं जत किंकर सुबह सौ खड़ुका कुणी नित्यम परस पुरुष शिखंड मौले जस्या कदा रस निधि वृषभानुजाया तत्केल कुंज भवनांग निमार्जन श्याम। इसलिए वो कहते हैं क्या कभी ऐसे सौभाग्य होगा जिस निकुंज में श्री रत्नेश्वर जी जहाँ पर मान की है। कहते आज किसी काले व्यक्ति को मैं देखना नहीं चाहता हूँ, इतना भ्रूर को भी जो काले इसको भी सफेद कर दो, छोटी जो काली उसमें फूल की माला से उसको भी सफेद कर दो, अपना सखियों को दरवाजे को बाहर खड़ी कर देती है। कृष्ण जहाँ पर उनकी मंजरी सखियों को पास में आकर के हाथ जोड़ करके काकू स्वर में कहते हैं हमें थोड़ा अंदर में प्रवेश करने के लिए दो। वो कहते हैं क्या कभी ऐसे सौभाग्य होगा जिस निकुंज में श्री राधा रानी मान करके बैठी हुई वहां का आगे सलगा क्या मैं बन सकूंगा, जिसमें वो झाड़ू लगाते हैं, जिसमें कहते हैं जस्या कदापि वसनंचल खेल नर्थ धन्यादि धन्य पवनेन कृतार्थ मानी। वो कहते हैं कभी राधा रानी मान की है, मान करके बैठी हुई, जब बैठी हुई इतने में कृष्ण मनाते मनाते थक गए, राधा रानी मान नहीं रहे, और कृष्ण क्या करते राधा कुंड में त्रिसंध्या स्नान करते हैं और राधा मंत्र को जप करते हैं। कभी हवा आकर के राधा रानी के अंचल को उनको वस्त्र को स्पर्श करते हुए जब श्री श्याम सुंदर को स्पर्श करता है, उसी समय में श्याम सुंदर कहते हैं अरे मेरे जीवन तो धन्य हो गया है, राधा रानी की शरीर को स्पर्श करते हुए हुआ मेरे शरीर को स्पर्श किया, जिसमें कहते हैं ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदार विंदम श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभव आया। मतलब राधा रानी के चरण की जो धूल है वो धूल को वंदना कर रहे हैं, वो धूल की इतने महिमा है जिसको शंकर भी प्राप्त नहीं कर पाए, ब्रह्मा भी प्राप्त नहीं कर पाए, उद्धव भी प्राप्त नहीं कर पाए, बल्कि इनकी बात छोड़ दो कृष्ण के लिए भी राधा रानी की चरण कृष्ण के लिए भी दुर्लभ हो जाता है। इसलिए राधा रानी मान करती थे कृष्ण जाकर के कितना बार जाकर के स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद बल्लभ उदारम, जहाँ पर राधा जी के चरण में श्याम सुंदर सर झुकाते थे। अद्भुत वो ग्रंथ को वर्णना की है, इसलिए हमारे संप्रदाय में ये राधा रस सुधा निधि एक अनमोल ग्रंथ है। इनका भी भजन कुटीर ये स्थली संपूर्ण रूप में कृष्ण का चरण कुली को द्वारा अभिषिक्त स्थान है, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान गुरुदेव के आनुगत्य में आज हम यहाँ पर आए और ये चरण का स्मरण करे, यहाँ धूल का शरीर पर लगाए, एक दिन हमारा हृदय पवित्र हो करके भगवान की नित्य लीला हृदय में स्फूर्ति हो। पंचाकल गुदर्भस्त कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।